हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कुछ ठेले वाले बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं, बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, एंड देखते ही देखते उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। मतलब पहले वो बाइक स्कूटी से घूमते थे और कुछ ही टाइम में एक कार्ट ओपन करने के बाद ही वो सीधा कार पर आ जाते हैं, अच्छा घर ले लेते हैं, हर रूम में एसी लग जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और वहीं पर उनके कंपैरेटिवली कुछ ठेले वाले होते हैं जो 10-10 साल से ठेला लगा रहे हैं, कार्ड लगा रहे हैं और आज भी वहीं के वहीं हैं। कोई तरक्की नहीं हुई, कोई उन्नति नहीं हुई उनके जीवन में। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे सबसे बड़े कारण क्या है, आज की वीडियो में वो आपको बताने वाला हूं। और जितने भी मेरे भाई मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या बिना सब्सक्राइब करे हुए मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हुए मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, उनको वीडियो शायद पसंद नहीं आते इसलिए वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। बट अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप कार्ट ओपन करने वाले हैं या कार्ट आप ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगा कि कुछ कार्ट वाले ऐसा क्या यूनिक करते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ही कम समय में तरक्की मिल जाती है, और कुछ कार्ट वाले आज भी मतलब 10-10 साल से कार्ट के एक कार्ट चला रहे हैं और आज भी वो एक ही कार्ट चला रहे हैं। पर डे की उनकी सेल भी बहुत कम होती जा रही है, पहले वो 5,000-6,000 कमाते थे और आज के डेट में वो बढ़ने के बजाय उल्टा कम होती जा रही है उनकी सेल, वो 2,000-2,500 पे आ चुके हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गलती वो लोग कर रहे हैं, और ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सिखाकर जाने वाला है। अगर आप एक चाहे तो आप कार्ड खोलिए, चाहे आप फूड ट्रक खोलिए, चाहे आप अपना कैफे खोल रहे हैं, आपको ये लर्निंग जरूर मिलेगी इस वीडियो से कि आप क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस भी ग्रो हो जाए। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग ट्रैक्टिस नहीं बताने वाला हूँ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसपे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, एंड वो मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज थी वो मैंने आपको फूड ट्रक कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स के बारे में बताई थी कि आपको क्या करना चाहिए। तो हर एक बिजनेस की अपनी एक यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, अगर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपके बिजनेस को ग्रो करती हैं और इफेक्ट डालती हैं आपके बिजनेस पे। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में कवर करेंगे कि आपको अगर कार्ट खोलने वाले हैं या खोल रहे हैं तो आपको क्या करना है, और कुछ कार्ट वाले क्यों ऐसे यूनिक क्या करते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर और सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिक लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज लाइक करके आप मेरी हिम्मत को और मेरी मेहनत को सफल कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक करके एक अगर कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ने में। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कार्ट खोलने वाले हैं या फिर आप एक फूड ट्रक खोलने वाले हैं, आप कैफे खोलने वाले हैं, सो आपके मन में ये दिमाग में बहुत चीजें आती होंगी कि यार कुछ कैफे वाले ऐसा क्या करते हैं जो बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। इनफैक्ट आजकल यूट्यूब पे आपने देखा होगा कुछ कैफे वाले हो गए, कुछ कार्ट वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, बहुत ज्यादा फेमस है, और मतलब आप देखेंगे तो पहले उनके कार्ट में ऐसे ही फूड मिल जाता था, आज की डेट में हर कार्ट वाला क्या करता है, टोकन सिस्टम शुरू कर दिया ठेले पे। क्यों करें टोकन सिस्टम, क्योंकि मार भीड़ आ रही है यार, संभालने में नहीं आ रही है। ऐसा क्या किया उन्होंने, एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, दो कारण से बंदा फेमस होता है, कार्ट वाले दो कारण से सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। कुछ होते हैं जेन्युइनली जो फेमस होते हैं अपने प्रोडक्ट के बिहाफ पे, मतलब उनका प्रोडक्ट उनके फूड ऐसी क्वालिटी का होता है जिसके लिए लोग माउथ टू माउथ मार्केटिंग करते हैं, मतलब एक बंदा खाकर गया वो दूसरे को बताता है, दैट इज कॉल्ड माउथ टू माउथ मार्केटिंग। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब पढ़े लिखे हैं, जो बहुत ज्यादा मैच्योर समझते हैं अपने आपको, वो लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। लाइक यूट्यूबर को बुलाया, अपने कार्ड के बारे में पूरा वीडियो बनवाया और कोई एक छोटा सा ऑफर चला दिया और वो वीडियो डलवा दिया, लोग जो सिटी के हैं वो आने लग गए। और काफ़ी केसेस मैंने ऐसे देखा है, क्योंकि इंडिया में ना लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी चीज़ को, मतलब कोई फेमस हो गया तो यार हम भी चल के वहां पर खाएंगे यार, उनका फूड क्या है, वो क्या बेच रहे हैं यार। मैं बस उन लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आपके फूड में क्वालिटी नहीं है, तो ये तरक्की कुछ ही टाइम के लिए है, और ये कड़वा सच जरूर हो सकता है लेकिन ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी भाई टेम्परेरी फेमस हो, एक टाइम पे उसको बहुत ज्यादा हाइप मिल जाए, एकदम से बिजनेस में ग्रोथ आ जाए और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका बिजनेस कम हो जाए। क्योंकि देखो दोस्तों, क्या होता है, जैसे कि आपने किसी बिजनेस को शुरू किया, 2-3 दिन हुए हैं आपको कार्ड लगाए हुए या कैफे ओपन करे हुए, और आपने यूट्यूबर को बुला लिया, वीडियो डलवा दी, लोगों ने आपकी वीडियो को देखा और लोग आपके पास आ गए, आपको पता ही नहीं है कि भीड़ को कैसे संभालना है। अब एकदम से इतनी ज्यादा भीड़ को देखने के बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट तो आपको देना है, तो जल्दी जल्दी में आप खाना पूर्ति करोगे, यानी कि आपका प्रोडक्ट सही से बन भी नहीं रहा है तब भी आप दे रहे हो कि भैया भीड़ को तो खत्म करना है, लेकिन वो होगा, उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है कि वो लोग जो एक बार आपका प्रोडक्ट खाकर जा रहे हैं,
आप अच्छा बना सकते हो, लेकिन वो इतनी भीड़ थी कि आपसे संभाल नहीं पा रहे थे आप, आपको संभालना नहीं आया और आपने वो बेकार प्रोडक्ट सर्व कर दिया जल्दी जल्दी के चक्कर में, भीड़ को खत्म करने के चक्कर में, तो वहां पर आपकी ये जो दिक्कत है बढ़ती जाएगी और लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करने लग जाएंगे। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था जहां पर एक शॉप ऑनर है जो छोले कुलचे बनाते हैं, उन्होंने बहुत वीडियोस डलवाई यूट्यूब पे कि हम अनलिमिटेड छोले कुलचे देते हैं 150 रुपए में, आप दबा कर खाइए, आप खाते खाते थक जाएंगे, हम खिलाते खिलाते नहीं थकेंगे, ऐसा है वैसा है। मैं यहां पर किसी शॉप के ऑनर का नाम नहीं लूंगा, ना ही मैं उनके बारे में आपको दिखाऊंगा वीडियो, क्योंकि मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, किसी के बारे में गलत हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत मेहनत के साथ बिजनेस कर रहे हैं। बट मैं यहां पर आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपको ये नहीं करना है कि आपने कोई ऐसा ऑफर चला दिया जिसके बाद लोग आने लग गए और फिर आप वो भीड़ ही नहीं संभाल पाए और प्रोडक्ट खराब देने लग गए। हालांकि वो छोले कुलचे अच्छे बनाते थे, उनका नाम भी था, लेकिन भीड़ इतनी आने लगी कि उनसे संभला नहीं और कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या करा कि नहीं भैया वो हम सिर्फ 2 घंटे में दिन के चालू करते हैं, क्योंकि भीड़ थी, अब वो संभाल नहीं पा रहे थे, उनको लगा कि यार ये तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो कोई भी गलत ऑफर ऐसा मत चलाओ अपनी शॉप पर जिसको आप संभाल ना पाओ, जिसके बाद आपको लगे कि यार बिजनेस में नुकसान हो रहा है, फिर आप वो ऑफर ही बंद कर दो। फिर लोग बोलेंगे कि ये यूट्यूब पर बड़ा चढ़ाकर वीडियो दिखाते हैं लेकिन ये वो प्रोडक्ट देते नहीं है, उस प्राइस पे नहीं देते, तो काम खराब होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने देखा होगा जो भी लोग फेमस होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपना यूट्यूब पर चैनल बना लेते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में वो यूट्यूबर को बुला के अपने अपने शॉप की अपने कार्ट की वीडियो बनवाते हैं, उसके बाद वो यूट्यूब पर चैनल बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे बिजनेस के नाम का अकाउंट होता है, इसके अलावा उनका फेसबुक पे प्रोफाइल होता है, ट्विटर पे और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो लोग आ जाते हैं अपने बिजनेस के नाम से और हर रोज डेली बेसिस पे वीडियो डालते हैं ताकि लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने। देखिए मार्केटिंग बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुकी है आज के टाइम में, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, पहले सस्ती थी अभी थोड़ी थोड़ी महंगी होती जा रही है, एंड ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत अच्छा मीडियम है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, और बिना मार्केटिंग के कोई भी नहीं जान पाएगा कि आप क्या ब्रांड हो, आप क्या प्रोडक्ट बेचते हो, क्या ऑफर्स हैं आपके, तो मार्केटिंग जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को बार बार बुलाओ, आप यूट्यूब पे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस का नाम बनाकर, बिजनेस के नाम से अकाउंट बनाकर आप उस पर डेली बेसिस पे वीडियो डाल सकते हो। ये सिंपल सा काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग, आप शुरू तो करो, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है मैं हमेशा कहता हूं। तो किसी के भरोसे मत बैठो कि कोई आएगा मेरी मार्केटिंग करेगा तब मेरा बिजनेस चलेगा, नहीं यार, अगर कोई नहीं आएगा तब भी आप चला लोगे। तो आपको आपको यह पता होना चाहिए कि मैं अकेला राजा हूं इस जंगल का, तो आप बस अपने बिजनेस के लिए अकाउंट्स क्रिएट करो, करना सिर्फ इतना ही है जो मैं आपको कह रहा हूं। आपको आप 3 पे भी बना लोगे ना प्रोफाइल, आप यूट्यूब अकाउंट बना लो, छोटे छोटे शॉर्ट्स डालते रहो, आपको तो कंटेंट ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि आपको यूट्यूब में कौन सी वीडियो डालनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल सा आपका माइंडसेट है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना है। सो अगर आपका कैफे, आप नया क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो, थोड़ा सा स्लो मोशन के साथ में, थोड़ा सा ट्रांजिशन लगाकर आप थोड़ा बहुत कुछ एडिट करके आप वीडियो डालते रहो, शॉर्ट्स डालते रहो, धीरे धीरे लोग आपके बारे में जानने लगेंगे, लोगों को क्यूरियोसिटी होगी और लोग आपके पास आएंगे। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा आप ब्रांड वो नए नए ऑफर चलाओ और अपने बिजनेस को ग्रो करो। जब आपका प्रोडक्ट भी अच्छा हो, आप थोड़े से पुराने हो जाओ बिजनेस में, भीड़ आप संभाल सकते हो, आपको भीड़ को हैंडल करना आता है, ज्यादा ऑर्डर्स को हैंडल करना आता है, फिर आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर को, बड़े यूट्यूबर को बुलाकर एक अपनी वीडियो बनवाओ और फिर आपका बिजनेस बहुत तेजी से भाग जाएगा, क्योंकि तब आप हर चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हो, कस्टमर को आप संभालना जानते हो, कस्टमर से बात करना सब कुछ आपको आ जाएगा, प्रोडक्ट अच्छा मतलब हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को डिलीवर करना, बहुत ज्यादा मतलब कस्टमर को फुटफॉल को हैंडल करना सब आपको आता है, एक भी कस्टमर आपका डिसअपॉइंट होकर नहीं जाएगा और हर कोई आपके लिए जब पॉजिटिव बोलेगा ना तो आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। कार्ड वाले क्या कर रहे हैं, जैसे किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाया, इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाया, उसको फ्री में खाना भी खिला दिया, कुछ पैसे भी दे दिए और इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डाली, यूट्यूबर ने वीडियो डाली और लोग वहां पर जाने लग गए, उनकी सेल बढ़ गई, हाइप मिला। लेकिन होता क्या है, हाइप मिलने के साथ साथ कुछ जेन्युइन कस्टमर भी आते हैं और कुछ जेन्युइन रिव्यू और फीडबैक भी देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर आजकल बहुत ज्यादा है। तो अगर एज अ क्रिएटर किसी के पास ये पावर है कि वो किसी की वीडियो बनाकर डालकर उनको कस्टमर दिलवा सकता है, सो कस्टमर के पास भी आज के डेट में ये पावर है कि कस्टमर किसी भी कार्ड के बारे में जेन्युइन रिव्यूज देते हैं, सोशल मीडिया पर भी देते हैं, और किसी का अगर फूड के साथ साथ किसी का बिहेवियर घटिया लगता है तो लोग उसके बारे में भी रिव्यूज देते हैं, तो लोगों को फिर धीरे धीरे पता लगने लगता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसकी मार्केटिंग जब करूंगा तो लोग मेरे पास जब आना शुरू हो जाएंगे तो कोई भी निराश होकर नहीं जाना चाहिए, सबको एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए और वो सब खुश होने चाहिए। क्योंकि देखो, आप कुछ भी कर लो मार्केटिंग में, जो कस्टमर एक बार आया और वो अगर आप दोबारा उसको नहीं ला पाए अपने कार्ट में, अपने रेस्टोरेंट में, अपने कैफे में, तो आपका धंधा कुछ टाइम बाद ठंडा पड़ेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी सो आप सिर्फ एक वीडियो डलवाने के बाद ही वायरल हो जाओगे, आपको बार बार किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी यूट्यूबर को अपने कार्ट में नहीं बुलाना पड़ेगा। लोग जब जैसे ही आप फेमस हो जाओगे, लोग इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स आपके पास खुद आएंगे,
कि भैया आपका मैंने वीडियो देखा था, आपका फूड बहुत अच्छा है, लोग बताते हैं, तो मेरे को आपका एक वीडियो बनाना है, बनाने दो। तो धीरे 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 आप फेमस हो जाओगे। कुल मिला के यहां पर एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग से ही अगर बिजनेस चलता तो कंपनीज सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पे ही फोकस करती, अपने प्रोडक्ट पे फोकस ही नहीं करती, ना ही प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में, ना ही प्रोडक्ट का जो लुक है, ना ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग में, किसी चीज पे फोकस नहीं करती यार, कुछ भी बेच देती। लोग तो अक्षय कुमार को देखकर खरीद लेंगे ना, ऐसा नहीं होता है। लोग अक्षय कुमार को देखकर जरूर खरीदेंगे, लेकिन एक ही बार खरीदेंगे, उसके बाद एक्टर को भी गाली देते हैं और उसके बाद आपको भी गाली देंगे कि घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और पैसे ज्यादा ले रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी भी भाई के साथ ऐसा हो कि उसका बिजनेस ओपनिंग के बाद सीधा बूम कर जाए, एकदम चले, दबाकर सेल हो और उसके बाद कुछ टाइम बाद वो फिर से सेल डाउन हो जाए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहला काम एक ही करना है, आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सही करनी है, एक नंबर की क्वालिटी देनी है, अव्वल दर्जे की आपको रॉ मटेरियल यूज करने हैं। और जब आपके प्रोडक्ट पर कस्टमर आपको बोल के जाना कि भैया बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका, मतलब दिल खुश हो जाता है खाने के बाद, तो फिर आप समझ जाओ कि आपका बिजनेस, क्योंकि समझना क्या है, आपको पता ही चल जाएगा, आपके पास सेल आने लग जाएगी, लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे डेली बेसिस पे, तो फिर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराओ। देखो दबाकर आपकी सेल होगी और एक ही टाइम में आप कुछ ही टाइम, लिमिटेड टाइम में आप बहुत अचीवमेंट हासिल कर लेंगे और उसके बाद धीरे 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 फिर आपको और लोग अप्रोच करेंगे कि भैया मैं अपना कैफे खोल रहा हूं, मुझे कुछ एडवाइस दे दो, आप कंसल्टेंसी फीस ले लो। देखो अभी आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है क्या, ये तब आपको रियलिटी पता चलेगी जब आप मार्केट में उतरोगे, जब आप ग्राउंड लेवल पे आओगे, काम करोगे, तो रिसोर्सेस आपको तब मिलेंगे। घर पे आपके कोई आकर ये नहीं बोलेगा कि भैया मैं कैफे खोल रहा हूं, मेरे को थोड़ा सा गाइडेंस दे देना, कंसल्टेंसी दे देना। वो तब बोलेंगे जब उन्होंने आपको देखा हुआ है काम करते हुए, लोग आपको जानते हैं, लोगों को पता है कि अपना कार्ट बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, इनके फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो फिर आप डेफिनेटली, आपको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के ऑफर्स देंगे, अलग अलग तरीके के आपको यू नो रिसोर्सेज मिलते जाएंगे जो आपको अलग अलग नेक्स्ट स्टेप तक लेकर जाएंगे। तो ये बहुत आराम के साथ में आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में छोटी सी यही बात आपको बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Tell me that you love me, even if it's